दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले दो चीज़ों के लिए माफ़ी मांग लेता हूं। पहली बात तो ये है कि ये कार्यक्रम एक बंद हॉल में रखा गया है और मैं जब आ रहा था तो बाहर जितने लोग अंदर बैठे हैं उससे ज़्यादा खड़े थे और सुनना चाहते थे। मैं समझता हूं कि आप सब लोग जो इस हॉल में बैठे हैं उनसे भी और बाहर जो लोग खड़े हैं उनसे भी मैं माफ़ी मांगता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार नांदेड़ में जब सभा होगी कोई आंदोलन के मौके पे तो ये खुले मैदान में होना चाहिए आमने सामने। और दूसरी बात कि जैसा कि आपको मालूम है मुझे मराठी नहीं आती है, माला मराठी इतना ही, तो आप मुझे हिंदी में बोलने की इजाज़त देंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सब लोग, मैं देख रहा हूँ कि पंखा नहीं है हॉल में और लोग रुमाल हिला रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। इतनी गर्मी में कम सुविधा के बावजूद रात भी हो रही है, 8 से ज़्यादा का वक्त हो रहा है, आप सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आप तमाम लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं नांदेड़ की इस महान भूमि पर आकर। ये भूमि है सिखों की पवित्र भूमि, ये भूमि है देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों की, बीडी देशपांडे साहब की, स्वामी रामानंद तीर्थ की और कॉमरेड नागार पुरकर की। मैं इस महान धरती को नमन करता हूं, इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों, अभी बहुत कुछ बोला जा रहा था हमारे परिचय में, मैं उन सारी बातों से इत्तफाक नहीं रखता हूं। और दूसरी बात यह है कि वो जो घड़ा तोड़ने के लिए डंडा मुझे दिया गया था, अचानक से मुझे संघ का याद आ गया। ये सुबह सुबह जो है डंडा लेकर के जाते हैं हाफ पैंट पहन करके और डंडा हिलाते हैं ये सोच करके कि देश बचाएंगे। दोस्त, देश डंडा हिलाने से नहीं बचता है, देश देश के लोगों को बचाने से बचता है। ये बात आपको और आपने ये भी देखा कि मेरा निशाना बहुत ख़राब है, मेरा निशाना सही जगह पे नहीं लगता है, हैं? चूक गया, लेकिन मोदी जी पे हम बराबर निशाना लगा रहे हैं। इसमें हमारी खासियत नहीं है, इसमें इस लोकतंत्र की खासियत है, इसमें इस देश के बेहतरीन संविधान की खासियत है कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी एक साधारण नागरिक सवाल उठा सकता है। ये अधिकार हमको हमारा संविधान देता है, इसलिए हम संविधान का नमन करते हैं। आप सोच करके देखिए कि क्यों हम कहते हैं कि सबसे पहले संविधान, हम क्यों कहते हैं कि संविधान बचाइए, देश बचाइए। हम इसलिए कहते हैं कि इस देश की जो विविधता है, अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय, संस्कृति, लिंग, भाषा, क्षेत्र के लोग अगर एक साथ जोड़े जा सकते हैं तो वो धागा संविधान है, जिसमें इस देश की तमाम खूबसूरती के फूलों को पिराया जा सकता है और एक बेहतरीन माला बनाया जा सकता है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, इस देश के भीतर भाजपा के लोगों को भी संविधान का सम्मान करना चाहिए कि यदि संविधान नहीं होता तो मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन तकलीफ किस बात की है? तकलीफ इस बात की है कि जिस जमहूरियत के चलते, जिस संविधान के चलते, जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चलते आज वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आज उसको ये तार तार कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। और इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं। हमारी मोदी जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ये भ्रम मत पालिएगा कोई भी, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं इस बात को मजबूती से स्वीकार करता हूँ कि इस देश के भीतर
यदि कोई चौका बर्तन करने वाली महिला का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो हमको इस देश के संविधान का आभार मानना चाहिए। इस देश के भीतर जैसा मोदी जी दावा करते हैं कि वो चाय बेचने वाले के बच्चे हैं और वो देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हमको इस देश के संविधान का आभार मानना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा है? क्या ये सच्चाई है? क्या सचमुच अपनी माँ से वो इतना प्रेम करते हैं? क्या सचमुच उन्होंने चाय बेचा है? इस पे भी हमको विवेकपूर्ण तरीके से सोचना चाहिए। और ये सोचना इसलिए ज़रूरी है कि तब आपको पता चलेगा कि कई बार हमारे ही जैसे दिखने वाले लोग हमारे खिलाफ होते हैं। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। ये सिखों की महान भूमि है तो लोग जानते हैं, पंजाब में एक जगह है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर के कहने पे गोली चलाई गई, आदेश देने वाला अंग्रेज था लेकिन गोली चलाने वाला भी भारतीय था और गोली खाने वाला भी भारतीय था। मोदी जी यदि सचमुच चाय वाला का बच्चा हैं, सचमुच वो पिछड़ा हैं, सचमुच उनकी माँ अगर चौका बर्तन करती हैं और वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो मैं उनका सम्मान करूँगा। लेकिन जब मैं विवेकपूर्ण तरीके से इस बात को सोचता हूँ तो मुझे एक भी बात में सच्चाई नहीं दिखती है। पहली बात, अभी कुछ दिन पहले नोटबंदी किया गया था और मोदी जी ने अपनी माता जी को, बुजुर्ग माता जी को ATM के लाइन में खड़ा कर दिया। आप सोच के बताइएगा कि आपकी माँ ने चौका बर्तन करके आपको पाला पोसा और पढ़ लिख करके आप देश के प्रधानमंत्री बने, आप कैसा नालायक बेटा हैं कि 90 वर्ष की माँ को ATM के लाइन में खड़ा कर दिया। ये अपनी माँ का भी मार्केटिंग कर दी है, इस बात का विचार कीजिए। ये बहुत संवेदनशील बात है। मैं कितना भी नालायक होता, मैं रिक्शा चलाता, ठेला चलाता, चाहे मेरी आमदनी कितनी भी कम क्यों नहीं होती, भले मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं होता, देश का एक साधारण नागरिक होता, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ को जो अपनी जवानी में भी चौका बर्तन करती थी, बुढ़ापे में भी उसको ATM के लाइन में कभी नहीं लगाता। और दूसरी बात, मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेचें। मोदी जी का फोटो तो आप देखते हैं ना हर जगह, नहीं हर पोस्टर पे आपको मोदी जी दिखाई देंगे, हर न्यूज चैनल पे आपको मोदी जी दिखाई देंगे। और देश से के भीतर तो छोड़ दीजिए, विदेश में भी जाकर के ये फोटो खिंचवाते हैं हर जगह। और विदेश का कोई राष्ट्राध्यक्ष यदि हिंदुस्तान आ जाए तो ये फोटो खिंचवाने के इतने शौकीन आदमी हैं कि पति पत्नी के बीच में घुस करके फोटो खिंचवाते हैं। ये कहते हैं कि हमने चाय बेची, एक फोटो मोदी जी का चाय बेचते हुए नहीं है। एक फोटो मुझे दिखा दीजिए जिसमें मोदी जी चाय बेच रहे हों। मोदी जी का झाड़ू लगाते हुए फोटो था जो इंटरनेट पे घूम रहा था। बाद में पता चला कि जिस तरीके से मोदी जी का ये वादा कि आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा ये नकली था, उसी तरीके से उनका फोटो भी नकली था। वो कोई झाड़ू लगाता हुआ उनका फोटो नहीं था, कोई झाड़ू लगाता हुआ, कोई जो है चाय बेचता हुआ उनका फोटो नहीं है। आपको विश्वास होता है? जो आदमी इतना शौकीन हो, कोई आदमी शौकीन हो शायरी का तो बात बात पे जो है शेर पढ़ेगा, जो आदमी इतना शौकीन हो फोटो खिंचवाने का, वो चाय बेचते हुए फोटो नहीं हो उसका, इस पे तो सवाल खड़ा होता है। और तीसरी बात, मोदी जी कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूँ, तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, 4 साल खत्म हो गए हैं, 5 साल पूरा होने को है, मुझे मोदी जी बता दें कि इस देश में उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया है। कितना यूनिवर्सिटी खुलवाया है, कितना अस्पताल खुलवाया है, कितना जो है इस देश के भीतर जो पिछड़े बच्चे हैं, महाराष्ट्र की मैं बात बता रहा हूँ, 4 साल से पिछड़े स्टूडेंट जो हैं उनको फेलोशिप नहीं दिया जा रहा है। पिछले 4 साल से जो टीचर ट्रेनिंग का एग्जाम पास करके बैठे हुए हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो आप कैसे पिछड़े हैं जो पिछड़ा का कल्याण करने की बजाय अंबानी और अदानी का कल्याण कर रहे हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और यही सवाल जो मैं उनसे पूछता हूँ, इस सवाल पूछने के चलते मुझे तरह तरह के विशेषण से नवाजा जाता है। एक विशेषण के बारे में आप लोग भी जानते होंगे, इंटरनेशनल हमको कहा जाता है। अब एक बात बताइए,
मोदी जी देश हैं कि मोदी का विरोध करने के चलते हम देश विरोधी हो जाएंगे? मोदी जी देश नहीं है ना, मोदी जी एक प्रधानमंत्री हैं। और हमारे देश के भीतर प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है? इस देश के भीतर 545 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से दो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है, बाकी 543 पे जो है बाकी लोग चुने जाते हैं। और ये लोग जब संसद में चुन करके जाते हैं, तब संसद में जिसकी बहुमत होती है उसकी सरकार बनती है, अपना बहुमत वो प्रस्तुत करते हैं। फिर बहुमत जिसका होता है वो अपना मंत्रिमंडल चुनते हैं, और मंत्रिमंडल चुनने के बाद मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है उसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं? प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं ना। आप नांदेड़ में जब वोट दे रहे होते हैं तो आप अपना एमपी चुन रहे होते हैं ना। आपका नाला बनेगा कि नहीं बनेगा, आपका सड़क बनेगा कि नहीं बनेगा, आपके यहाँ शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी, लाइट की व्यवस्था कैसी होगी, ये सब देखने का काम आपके लोकल एमपी का होता है। लेकिन देश में कैसा माहौल खड़ा किया गया है? देश में ऐसा माहौल खड़ा किया गया है जैसे इस देश में संसदीय लोकतंत्र नहीं हो, इस देश के भीतर प्रेसिडेंशियल मोड ऑफ इलेक्शन हो, जहां हम संसद ना चुन करके प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे हों। ये माहौल क्यों बनाया गया है? ये माहौल इसलिए बनाया गया है क्योंकि मोदी जी मार्केटिंग करने में बहुत उस्ताद हैं, इसीलिए उनको प्रधानमंत्री का चेहरा अभी से ही बनाया जा रहा है। वो ऑलरेडी प्रधानमंत्री हैं, 2014 में उन्होंने जो वादा किया था वो लोगों को याद है, वादा कितना पूरा हुआ है ये भी लोगों को याद है। लेकिन उस वादा से ध्यान भटकाने के लिए बहस को कहाँ पहुँचाया जा रहा है? बहस में कहा जा रहा है कि 2022 तक आपके सारे वादे पूरे कर दिए जाएंगे, जबकि 2019 में ही फिर से चुनाव होगा और कौन प्रधानमंत्री होगा ये जनता तय करेगी। लेकिन मोदी जी तय करके बैठे हैं कि वही दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। ये देश के लोकतंत्र का मजाक है कि नहीं है, संविधान का मजाक है कि नहीं है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम 5 साल के लिए सरकार चुने हैं ना, और आपने जो वादा किया था कि आप 15 लाख रुपया हमारे खाते में पहुँचाएंगे, आपने जो वादा किया था कि इस देश में किसानों पर अत्याचार कम होगा, किसान आत्महत्या जो कर रहे हैं उसको रोका जाएगा, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाएगा, देश के भीतर सबका साथ सबका विकास किया जाएगा, काला धन पे रोक लगाई जाएगी, भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाएगा, ये वादा किया गया था ना। क्या हुआ इन वादों का? आपने ये वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे, क्या हुआ इन वादों का? इन सारे वादों से ध्यान हटाने के लिए अब ये कहा जा रहा है कि मोदी जी को वोट नहीं दीजिएगा तो पप्पू को वोट दीजिएगा। अब बताइए, देश को यदि कुछ और ही चुनना होता तो फिर मोदी जी आपको वोट क्यों देता? देश ने आपको वोट दिया, आपको बहुमत दिया, आप देश के प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने देश की जनता को क्या किया, ये सवाल पूछना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि नहीं है, यही आप हमको बता दीजिए। और पूरा का पूरा जो तंत्र है इनका, प्रचार तंत्र, हमने आपको कहा कि मोदी जी मार्केटिंग के उस्ताद हैं, मार्केटिंग के ऐसे उस्ताद हैं कि ये हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, हमेशा प्रचार के मोड में रहते हैं। इनका कोई भी भाषण आप सुन लीजिए, ये आपको प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये प्रधानमंत्री हैं कि प्रचार मंत्री हैं, यही मैं नहीं कर सकता। और आप प्रचार अभी से ही शुरू कर दिए हैं कि कोई भी योजना 2019 में नहीं पूरी हो रही है, सारी योजना 2022 में पूरी हो रही है। क्यों? क्योंकि चुनाव 2019 में है। 2019 में आकर के ये यही कहेंगे, दो बात बोलेंगे। पहली बात, 2 करोड़ नौकरी देंगे, काला धन वापस लाएंगे, आपके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, इसीलिए आप हमको दोबारा प्रधानमंत्री बना दीजिए, नहीं तो डर का खेल खेलेंगे कि हमको वोट नहीं दीजिएगा तो पप्पू प्रधानमंत्री बन जाएगा। मोदी जी, पप्पू कौन है ये जनता तय करेगी। पप्पू जब प्रधानमंत्री होंगे तो देखा जाएगा कि वो पप्पू हैं कि नहीं हैं। लेकिन पिछले 4 साल में आपने ये साबित कर दिया है कि आप बहुत बड़े गप्पू हैं। आप 4 साल में सिर्फ और सिर्फ गप दिए हैं, गप देने के अलावा आपने कुछ नहीं किया है। एक एक करके मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कहा था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद नक्सलवाद की घटनाओं में कमी आएगी, काला धन पे रोक लगेगा। अखबार का रिपोर्ट बताता है
कि स्विस बैंक में काला धन में 50% की बढ़ोतरी हुई, मतलब काला धन कम नहीं हुआ है। और यदि काला धन कम हुआ है तो आपके खाते में जनधन योजना के तहत जो खाता खुलवाया गया उसमें 15 लाख रुपया आया है? ये सवाल खुद से पूछ लीजिए। अगर 15 लाख रुपया नहीं आया है, इसका मतलब काला धन वापस नहीं आया है। और अगर काला धन वापस आया है और आपके खाते में 15 लाख नहीं आया है, मतलब सारा पैसा अमित शाह के बेटे के खाते में पहुंच गया है। ये सवाल आप पूछेंगे ना, ये आप पूछेंगे ना कि इस देश के भीतर प्रत्येक वर्ष 5 लाख से ज्यादा इंजीनियर तैयार होते हैं। सरकारी आंकड़ा बताता है कि 1 साल में 1,35,000 रोजगार पैदा हुआ। मतलब ये है कि लगभग 4 लाख इंजीनियर बेरोजगार हो रहे हैं। जब 4 लाख इंजीनियर बेरोजगार हो रहे हैं तो मुझे बताइए कि बीएड करने वाले विद्यार्थियों को नौकरी कहाँ मिल रही है, बीए करने वाले विद्यार्थियों को नौकरी कहाँ मिल रही है, एमबीए करने वाले, बीकॉम करने वाले, बीएससी करने वाले विद्यार्थियों को नौकरी कहाँ मिल रही है? एक तरफ लोगों को आप शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। पहले साल जब शिक्षा का बजट पेश किया गया तो उसमें 24% की कटौती की गई। अब जब सरकार सरकारी अनुदान नहीं देगी सरकारी विद्यालय और विश्वविद्यालय को, तो मार्केट कंपटीशन में धीरे धीरे सरकारी विद्यालय और विश्वविद्यालय बंद हो जाएंगे। और सरकारी विद्यालय और विश्वविद्यालय जब बंद हो जाएंगे तो किनके बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी? शिक्षा अगर बाजार में खरीदने और बेचने की वस्तु बन जाएगी तो जिसके पास पैसा होगा वो पढ़ेगा और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो नहीं पढ़ेगा। फिर तो ये सवाल हम पूछेंगे ना, फिर तो हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वो लिखा हुआ संविधान याद करेंगे ना, जो संविधान में लिखा हुआ है कि शिक्षा सबका बुनियादी संवैधानिक अधिकार है। शिक्षा जब सबका बुनियादी संवैधानिक अधिकार है और वो संविधान जब काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, सबका वोट बराबर किया है, तो उसी संविधान के आधार पे अमीर हो या गरीब हो, राष्ट्रपति हो या चपरासी हो, सबके बच्चों को शिक्षा बराबर क्यों नहीं दी जा सकती है? ये सवाल हम पूछेंगे। शिक्षा का बजट लगातार कम किया जा रहा है। जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और वादा किसका किया जा रहा है? स्किल इंडिया का। हम इंजीनियर की बात कर रहे हैं, बाकी आईटीआई, पॉलिटेक्निक उसकी हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हम इंजीनियर की बात कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। और आपको कितना स्किल चाहिए? आप जो है एमए फेल करके देश के प्रधानमंत्री बन गए और लोग जो है इंजीनियरिंग करने के बाद भी जो है नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। आप कह रहे हैं कि उनको पकौड़ा बेचना चाहिए। अरे पकौड़ा भी लोग बेच रहे हैं, अलग अलग तरह का रोजगार कर रहे हैं, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर को कहिएगा कि क्रिकेटर बन जाओ और क्रिकेटर को कहिएगा ऑपरेशन करो, ये न्यायपूर्ण बात थोड़ी है। इस बात को तो तर्कपूर्ण तरीके से हमको सोचना पड़ेगा ना। ये स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, सब में इंडिया लगाया गया है। और स्किल इंडिया की सच्चाई ये है कि उसका एस साइलेंट है और उसका मतलब है किल इंडिया। और किल इंडिया कैसे हो रहा है कि आए दिन आपको खबर आती होगी कि इस देश के भीतर भीड़ के द्वारा इंसान की हत्या कर दी जा रही है, आस्था के नाम पे लोगों को मार दिया जा रहा है, आए दिन लिंचिंग की घटनाएं होती रहती हैं। वादा किए स्किल इंडिया का, रिजल्ट आया है किल इंडिया का, ये आज हम देख रहे हैं देश के भीतर। ये क्यों हो रहा है? और इस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा? सवाल से हम सरकार से ये नहीं पूछेंगे कि आपने 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं पैदा की? हम ये नहीं पूछेंगे कि नोटबंदी के बाद काला धन वापस क्यों नहीं आया? हम ये नहीं पूछेंगे कि इस देश के भीतर आज भी किसान आत्महत्या करने को क्यों विवश हैं? और अभी कह रहे हैं कि हम किसानों की आमदनी को दोगुना कर देंगे। कैसे कर देंगे ये तो बता दीजिए। रिजल्ट तो कुछ और कह रहा है। रिजल्ट ये कह रहा है कि 1 साल के भीतर 12,000 किसानों ने आत्महत्या किया है। और जिस बीमा कंपनी को किसानों के लिए टेंडर दिया है कि आप बीमा देंगे, उसको 10,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। अभी मैं बात कर रहा था कि महाराष्ट्र के भीतर जब बारिश नहीं होती थी, मराठवाड़ा और विदर्भ का जो इलाका है, तो सूखाग्रस्त घोषित किया जाता था। और सूखाग्रस्त जो क्षेत्र घोषित होता था उसमें जो किसान के बच्चे होते थे उनके स्कूल और कॉलेज की फीस माफ़ की जाती थी, उनका जो फसल का दाम होता था, बीज का दाम होता था, वो किसान को वापस किया जाता था। ये सारी चीज़ों के मानदंड बदल दिए। नतीजा क्या हुआ है कि किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उसका सारा का सारा लाभ जो है वो बीमा कंपनी को मिल रहा है। और ये प्रधानमंत्री किसान बीमा अनाउंस करने के लिए महाराष्ट्र के भीतर किसानों को जो फसल में नुकसान हुआ, जिन इलाकों में सूखा आया, उन इलाकों को सूखाग्रस्त नहीं घोषित किया जा रहा था।
ये तमाम चीजें हमारे नजर के सामने हो रही है। हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई है, आज भी उसी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बना करके इस देश में जो नई सरकार चुन करके आई उससे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि कितने भ्रष्टाचारियों को आपने जेल में डाला, कितने भ्रष्टाचारी पकड़े गए। अब कह रहे हैं, जज ने कहा, ये हम नहीं कह रहे हैं, कि 2G 3G और कोलगेट केस के मामले में जज पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार आएगी और उनके सामने कोई सबूत प्रस्तुत किया जाएगा, दोषियों पे कार्रवाई की जाएगी, सुनवाई की जाएगी, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ है। एक भी मामले में मुझे बता दीजिए, जितना भी स्कीम का नाम लिया जाता था उसमें एक भी आदमी को गिरफ्तार किया गया हो। उल्टे हो क्या रहा है, भाजपा एक वॉशिंग मशीन बन गई है, इधर से भ्रष्टाचारी डालिए उधर से सदाचारी बन करके निकल रहा है। कोई भी व्यक्ति जो दूसरी पार्टी में हो, यदि वो भाजपा का विरोध कर रहा है तब तो उसको भ्रष्टाचारी कहा जाएगा, लेकिन ज्यों ही वो भाजपा के समर्थन में आ जाए तो उसका भ्रष्टाचार सदाचार में तब्दील हो जाता है। एक सवाल आप मुझे बताइए सोच करके, मैं बिहार से हूँ, मेरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय लालू प्रसाद यादव, वो जेल में हैं, उनके ऊपर आरोप क्या है, चारा घोटाला का आरोप है। कोर्ट अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, अनुसंधान एजेंसी अपना काम करेगी, लेकिन ईमानदारी से सोच के बताइए कि यदि वो अभी मोदी कर रहे होते तो वो जेल में होते? मोदी कर रहे थे ना, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, वो जेल में हैं, आराम से लंदन में बैठे हुए हैं और देश का 35,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गए हैं और उनकी फोटो मोदी जी के साथ है। इस पे आप विचार करके देखिए कि किसके भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल उठाया जाता है। ट्रैफिक पुलिस खड़ा होकर के 10 रुपया 20 रुपया उठा लेता है तो उसके भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल उठाया जाता है। ऑफिस में क्लर्क यदि 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया उठा ले तो उसके भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल उठाया जाता है। लेकिन नेता, जिसको आप नेता कहते हैं, वो इस देश का संसाधन लूट करके मुट्ठी भर पूंजीपतियों की पूंजी को 4 गुना 5 गुना 10 गुना 50 गुना बढ़ा देता है, उसमें आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखता होगा। आप ये नहीं सोच पाते होंगे कि अमित शाह का बेटा 50,000 रुपए से 80 करोड़ रुपया कैसे कमाया, उसको 16,000 गुना मुनाफा कैसे हुआ, इसमें आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देगा। इस देश के अंदर एक अजीब बात है कि खीरा चोर को चोर कहा जाता है लेकिन हीरा चोर को चोर नहीं कहा जाता है, उसको विमान पे बिठा करके विदेश पहुंचा दिया जाता है। यह बात आपको समझना पड़ेगा। कोई क्यों नहीं नीरव मोदी को चोर कह रहा है, उस पर क्यों नहीं सवाल उठ रहा है कि नीरव मोदी जब इस देश का 35,000 करोड़ रुपया खा गया था तो वो मोदी जी के साथ बैठ करके फोटो कैसे खिंचवा रहा था, इस पर क्यों नहीं सवाल पूछा जाता है? क्योंकि हम जो लोग हैं हमको आपस में ही बांट दिया गया है। आपको सारा गुस्सा पुलिस पे आएगा लेकिन गृह मंत्री पे आपको कुछ भी गुस्सा नहीं आएगा। पुलिस क्या करेगी बेचारी, वो तो हमारी आपकी तरह है ना, कहाँ जाएगी वो, उसका वेतन बढ़ेगा नहीं, उसको भी तो अपने बच्चे को पढ़ाना है। किस तरीके से हमारे जीवन के भीतर संकट डाला गया है एक एक करके, और इन चीजों को समझने की बजाय इस दलदल में हम फंसते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। एक उदाहरण देकर के मैं बताता हूँ कि मैं क्यों पब्लिक एजुकेशन का सपोर्ट करता हूँ। मैं इसलिए पब्लिक एजुकेशन का सपोर्ट करता हूँ कि मान लीजिए मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, फिर मुझे भ्रष्टाचार करने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं ये जान जाऊँ कि मेरे बच्चे की पढ़ाई सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है तो फिर मुझे भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस बात की चिंता नहीं सताएगी कि इसका स्कूल का फीस कैसे बढ़ेगी। इस देश के भीतर अगर सरकारी अस्पताल में ठीक से इलाज होने लगे तो फिर भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मेरी पत्नी बीमार होगी तो उसका अच्छा इलाज करा सकते हैं, मेरे माता पिताजी का अच्छा इलाज कराया जा सकता है। जानबूझ करके इस देश की सरकारी व्यवस्थाओं को तबाह किया गया और सरकारी तंत्र में जो लोग लगे हुए थे उनके ऊपर सारा भ्रष्टाचार का ठीकरा फोड़ करके इस देश की संसाधनों को लूट करके अंबानी और अदानी के खाते में पहुंचाया गया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। एक एक करके हमारे सरकारी विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको बेचा गया है और उनका जो संसाधन है, उनका जो जमीन है, उन पे इनकी टकटकी नज़र लगी हुई है कि उस जमीन को किस तरीके से ये हथिया ले। और आपके सामने जब वीडियो आया होगा कि चेहरा हमारा होगा और आवाज़ किसी और का होगा और ऐसे आपत्तिजनक नारे लगाए गए होंगे जिसको सुन करके किसी को भी बुरा लग जाएगा, किसी भी भारतीय को गुस्सा आ जाएगा,
तब एक मिनट के लिए आप भूल गए होंगे कि ये साजिश क्या है और ये साजिश क्यों रचा गया है। आप सोच के बताइए, आप नांदेड़ में रहते हैं, जमीन की कीमत आपको बहुत अच्छे से मालूम है, मुंबई लोग जो लोग जाते हैं उनको जमीन की कीमत बहुत अच्छे से मालूम है, उसी तरीके से दिल्ली में भी जमीन बहुत महंगा होता है। दिल्ली में जहाँ पे JNU है उस जमीन को अगर आप देखेंगे तो वह 1000 एकड़ जमीन है। 1000 एकड़ का आप दाम लगा लीजिए, एक पे कितना जीरो बिठाना पड़ेगा आपको अंदाजा भी नहीं होगा, उतनी कीमत है उस जमीन की। अगर वो विश्वविद्यालय बंद हो जाए और वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों का मॉल खुल जाए, बड़ा बड़ा होटल बन जाए, बड़ा बड़ा सिनेमा हॉल खुल जाए, तो इससे मुनाफा होगा कुछ मुट्ठी भर लोगों को। लेकिन उस 1000 एकड़ के भीतर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे कौन हैं? वो बच्चे इस देश के गरीब मुसलमान के बच्चे हैं, वो बच्चे इस देश की आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, इस देश के भीतर दूध बेचने वाला चूड़ी बेचने वाली के बच्चे हैं। और ये जो गरीब बच्चे वहाँ इसलिए पढ़ पाते हैं क्योंकि वो सरकारी अनुदान से चलता है, और सरकारी अनुदान से चलने के चलते वहाँ पे फीस जो है वो 120 रुपया है। अगर 120 रुपये की फीस नहीं होती तो क्या मैं PhD कर पाता? मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, 3000 रुपये की मासिक आमदनी से वो मुझको पढ़ा पाती? वो मुझको नहीं पढ़ा पाती। और जब हम नहीं पढ़ पाते तो हम मजबूर होते कि हमको किसी की होटल में जाकर के प्लेट धोना पड़ता, किसी के दुकान में जाकर के चावल तौलना पड़ता, किसी के खेत में जाकर के मजदूरी करनी होती। इसीलिए बहुत चालाकी से उस पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी को बदनाम किया गया, क्योंकि गरीब का बच्चा जब वहाँ आकर के पढ़ेगा, दलित का बच्चा जब आकर के वहाँ पढ़ेगा, पिछड़ा और अति पिछड़ा का बच्चा जो वहाँ पर आकर के पढ़ेगा, इस देश के अल्पसंख्यक के बच्चे जब वहाँ आकर के पढ़ेंगे तब वो पूछेंगे कि हमारा इतिहास कहाँ है और हमारा समुदाय पिछड़ा क्यों है, इस पर वो सवाल पूछ सकते हैं। इसीलिए साजिशन उस यूनिवर्सिटी को बदनाम किया गया ताकि वो यूनिवर्सिटी बंद हो जाए और उस यूनिवर्सिटी का 1000 एकड़ जमीन जो है इस देश के मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया जाए जहाँ पे वो अपना मॉल खोल सकें। और आपने इस साजिश को नहीं समझा होगा, आपको ये साजिश नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर हमने देश के खिलाफ कुछ बोला है, अगर सचमुच हम देश के लिए खतरनाक हैं, जैसा कौन बोलते थे, हमारे कड़ी निंदा मंत्री सिंह है ना, राजनाथ सिंह गृह मंत्री, जो अक्सर कड़ी निंदा करते रहते हैं, उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक जो है वो हाफिज सईद से है। अगर हमारा ताल्लुक हाफिज सईद से है तो हम देश के लिए खतरनाक हैं, फिर आपने हमको खुला क्यों छोड़ रखा है? तब तो हम देश के लिए बहुत बड़े चैलेंज हैं, बहुत बड़ी चुनौती हैं, देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा सवाल है, हमको उठा करके जेल में डालना चाहिए था, हमको जेल के बाहर क्यों छोड़ दिया है, हमको न्यायालय ने जमानत क्यों दे दिया है, क्यों एक देशद्रोही की सेवा में बताइए इतने पुलिस वाले बैठे हुए हैं, क्या जरूरी है? एक बार तर्कपूर्ण तरीके से सोच करके तो देखिए कि असल सवाल क्या है। सचमुच में कोई नारेबाजी हुई थी? सचमुच में जो है JNU में कोई देशद्रोह की घटना हुई थी? सचमुच में जो है JNU इस देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है, इस देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर रहा है? सोच करके देखिए, JNU में 8000 बच्चे पढ़ते हैं, 8000। इस देश की आबादी 125 करोड़ से ज़्यादा है, बार बार प्रधानमंत्री गिनाते रहते हैं, 125 करोड़ लोगों का देश है, 125 करोड़ लोगों में 8000 लोग क्या हैं? और आप सरकार चला रहे हैं, 283 MP हैं आपके पास, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब आपकी पार्टी से हैं, और उस 8000 बच्चे में से कुछ बच्चे जिनके ऊपर आरोप आप लगा रहे हैं उनको पकड़ करके आप जेल में नहीं डाल पा रहे हैं, उनके ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं आपकी पुलिस जो है आरोप पत्र नहीं दाखिल कर पा रही है। सोच के इसको देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि मसला नारेबाजी का नहीं है, मसला देशभक्ति और देशद्रोह का नहीं है, मसला ये है कि इस देश के भीतर आम जन के संसाधनों का जो लूट हो रहा है, उस लूट के संबंध में हम आपके टैक्स के पैसे से पढ़े हैं, समझे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, हम आपको सवाल बता रहे हैं, इसलिए हमारे और आपके बीच में संवाद नहीं हो, इसीलिए साजिश रची गई है, इसीलिए आरोप मढ़ा गया है। ये बात आप समझ लीजिए। किस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे? एक दलित विद्यार्थी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट बनने के लिए गया था, और उसने अपनी चिट्ठी में लिखा कि आप इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक वोट की तरह डिग्री जो है ट्रीट मत कीजिए, वो सिर्फ एक वोट नहीं है, वो सिर्फ आपका वोट बैंक नहीं है, वो एक सिटीजन है, और सिटीजन होने के चलते इस देश में उसको भी उतना अधिकार है जितना दूसरी जाति के लोगों को अधिकार है,
जिस तरीके से ब्राह्मण के बच्चे पढ़ सकते हैं उसी तरीके से दलित के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ये अधिकार हमको हमारा संविधान देता है। और इस बात बोलने के चलते उसको भी देशद्रोही कहा गया था, इतना प्रताड़ित किया गया उस इंसान को कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। और हमने मजबूती से कहा कि आत्महत्या नहीं है, ये सांस्थानिक हत्या है। एक बार फिर से जिस तरीके से एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने काट लिया था, आज की द्रोणाचार्य की व्यवस्था ने ये द्रोहित वेमुला की गर्दन काट ली है, यह बात हमने जोर शोर से उठाई। और यही सवाल जो हम उठाते हैं, यही सवाल जो हम पूछते हैं, इन सवालों से घबराहट होती है। हम आज भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि CBI जांच कर रही है, कोई एडी गड़ी जांच एजेंसी नहीं जांच कर रही है, CBI जांच कर रही है। लेकिन CBI को नहीं पता है कि नजीब कहाँ है, CBI नहीं पता लगा पाई है कि नजीब कहाँ है। आप मुझे बता दीजिए, क्या आपको सुन करके नहीं लगता है कि पता नहीं लगा पा रही है या पता नहीं लगाने दिया जा रहा है? ये सुन करके आपको नहीं लगता है? क्यों? क्योंकि उसके साथ मारपीट, सत्ता में बैठे हुए लोगों को मानने वाले, उसकी भक्ति करने वाले, मोदी जपने वालों ने की थी, इसीलिए आज उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सच्चाई है इस देश के विश्वविद्यालयों की, इस देश के विद्यालयों की। जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा से कैसे वंचित रखा जाए, इसीलिए इन संस्थानों को बेचा जा रहा है, इन संस्थानों को बदनाम किया जा रहा है। और ये बदनाम करने की साजिश कोई नई नहीं है, ये बदनाम करने की साजिश बहुत पुरानी है। एक बात आप लोगों को अक्सर सुनने को मिलता होगा कि ये रिजर्वेशन वाला डॉक्टर है, इसके पास इलाज कराने के लिए मत जाना, कैंची पेट में छोड़ देगा। ये बोलता है कि नहीं बोलता है? रिजर्वेशन के डॉक्टर से आपको डर लगता है, और घूस दे करके डोनेशन से बने हुए डॉक्टर से आपको डर नहीं लगता है, हैं? रिजर्वेशन से जिसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है उससे आपको डर लग रहा है, और जिसके बाप के पास पैसा है, 1 करोड़ रुपया देकर के डॉक्टर बना दिया है, उससे आपको नहीं डर लग रहा है। ये क्या है? ये आपके दिमाग में एक ऐसा पूर्वाग्रह डाला गया है जहां आप सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाए। ये उसी तरीके से आपके दिमाग में झूठ ठूसने की कोशिश की जाती है जिस तरीके से झूठ रोज आपके टेलीविजन पे पड़ोसा जाता है। क्या कहते हैं, फेयर एंड लवली लगा देंगे तो दूध जैसी गोराई हो जाएगी। है ऐसा संभव? टेस्ट कर लीजिएगा। 4 हफ्ता क्या, मैं तो आपको 20 हफ्ता देता हूँ, लगा के मुझे बता दीजिए कि कोई फेयर एंड लवली लगाने से गोरा हुआ हो। लेकिन कोई गोरा नहीं होता है, ये जानते हुए भी लोग फेयर एंड लवली खरीदता है ना, फेयर एंड लवली लगाता है ना। भले लोगों के अच्छे दिन नहीं आए, भले सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ, भले आपके खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया, फिर भी आप कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है। कैसे हैं ये मुझे बता दीजिए। मोदी जी अच्छा प्रधानमंत्री तब होते ना जब अपनी कही हुई बात को वो लागू करते जीवन में। आपके जीवन में कुछ फर्क आता? सच्चाई आपको मालूम है, जब आप बाइक लेकर के जाते हैं पेट्रोल पंप पे तो मीटर पे दाम आता है ना, अच्छा दिन वहाँ दिखता होगा आपको? झोला लेके सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहाँ अच्छा दिन दिखता है कि नहीं दिखता है? जब तराजू पे तौला जाता है, दाम बढ़ता जा रहा है और सब्जी की मात्रा घटती जा रही है, अच्छा दिन दिखता है कि नहीं दिखता है? एक सिनेमा में एक डायलॉग था कि पनीर तो ऐसा महंगा हुआ है कि आने वाले समय में सुनार की दुकान पे मिलेगा, छोटे छोटी थैली में। ये महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है। आप पेट काट करके अपने बच्चे को पढ़ाए हैं, जो जमीन गिरवी रख दिया, कोई जेवर गिरवी रख दिया, कोई बैंक से लोन ले लिया, बच्चा को इंजीनियरिंग करा लिए हैं और इंजीनियर का डिग्री लेकर के वो ढनक रहा है, उसके पास कोई काम नहीं है, मोबाइल लेकर के जियो धन धना धन कर रहा है, फिर भी आपको अच्छा दिन लिख रहा है। देखिए ना, अच्छा दिन, आपको सच्चाई जान करके हैरानी होगी कि मोदी जी देश के बाहर पेट्रोल जो है वो 32 रुपए में और डीजल 30 रुपए में बेच रहे हैं, और देश के भीतर पेट्रोल 80 रुपए में और डीजल 70 रुपए में बेच रहे हैं। ये आपको दिखाई नहीं देगा। ये कैसे दिखाई देगा? क्योंकि जब आप टीवी खोलेंगे तो टीवी पे आएगा कि मंदिर कब बनेगा, तो आपको ये कहाँ दिखाई देगा कि महंगाई कब कम होगी, रोजगार कब मिलेगा, लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे होगी, ये आपको कैसे दिखाई देगा? ये जो धर्म का खेल है, ये धर्म का खेल इसलिए खेला जा रहा है कि इस देश की जो परंपरा है, इस देश की जो खासियत है, आप लोग नांदेड़ में रहते हैं, नांदेड़ जितना सिखों का है उतना ही हिंदुओं का है ना,
और जितना हिंदुओं का है उतना ही बौद्धों का है ना, और जितना बौद्धों का है उतना ही मुसलमानों का है ना। ये हिंदुस्तान है मेरे दोस्त, इस हिंदुस्तान को पहचानने की कोशिश कीजिए। कहाँ से शुरू किए थे हम लोग? शुरू किए थे भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब इधर से संबित पात्र आकर कहेगा हिंदू हिंदू। देश का अपमान कौन कर रहा है? हम देश का अपमान कर रहे हैं, हम देश का विरोध कर रहे हैं। देश के भीतर दिन दहाड़े दिन दहाड़े, दिल्ली में, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कहीं सुदूर गढ़चिरौली में, गढ़चिरौली में नहीं भाई साहब, दिल्ली में, दिल्ली में संसद मार्ग पे दिन दहाड़े देश का संविधान जला दिया गया। आपको पता चला? चलिए आप सजग लोग हैं, इसका मतलब आप दिन भर जी न्यूज नहीं देखते हैं। देश का संविधान जला दिया गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनको भारत रत्न दिया गया है, सरकार ने दिया है, हम लोग नहीं दिए हैं, हम लोग तो प्यार से बाबा साहब ही बोलते हैं। भारत रत्न दिया गया जिनको, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, ये देशद्रोह है कि हम इस देश के गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के हक की बात करते हैं, ये देशद्रोह। इस पर सोच विचार करके देखिए कि देश के भीतर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, आपके बुनियादी जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, टीवी पे क्या दिखाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री अपने भाषण में क्या बोल रहे हैं, इसको आप मिला करके देखिए। आप मिला करके देखिए कि जो लोग आज इस देश के भीतर संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं, वही लोग मोदी जी को द ग्रेट पीएम बता रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पति पत्नी का चुटकुला भेजते हैं। इस सिमिलरिटी को आप देख लीजिएगा, मैं आपको ध्यान से सिर्फ बारीक नज़र से देखने का अपील कर रहा हूँ। जो व्यक्ति औरतों के खिलाफ चुटकुला भेजेगा वो मोदी जी का समर्थक होगा, जो इस देश के भीतर आरक्षण का विरोध करेगा वो मोदी जी का समर्थन होगा, जो इस देश के भीतर ये कहेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत गलत काम किया कि इस देश में ऐसा संविधान लिख दिया, इस देश में मनुस्मृति होना चाहिए, वो मोदी जी का समर्थक होगा। इस चीज को आप देख लीजिए, आप उनके फेसबुक वॉल पे जाकर के देख लीजिए, आपके साथ अगर वो चाय की दुकान पे बैठे हैं तब आप उनसे बात कर लीजिए। इस देश के भीतर अंग्रेजी में बोलते हैं मेल अपर कास्ट सोवरेन पेट्रियार्कल माइंड सेट का आदमी ही मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो ये तर्क देंगे कि मोदी जी इसलिए देश के प्रधानमंत्री बन गए कि वो अपनी पत्नी छोड़ दिए। तो मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारे बाबूजी भी अगर तुम्हारी माँ को छोड़ देते तो तुम पैदा होते? ये सवाल हम भी पूछते हैं, ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? और ये सवाल पूछना चाहिए ना जो आरक्षण का विरोध करते हैं उनसे, कि तुम जो है ब्राह्मण पेट से पैदा हुए और पैदा होते ही तुमको सामाजिक प्रतिष्ठा मिल गई, इसमें तुम्हारा क्या योगदान है? भगवान के घर में एप्लीकेशन दिए थे कि नहीं हमको ब्राह्मण गर्भ में ही भेजिए? किसका अपराध है ये? मेरे माँ बाप कौन होंगे ये हम तय करेंगे, और मेरे माँ बाप का जो धर्म होगा, जो जाति होगी, उसके आधार पर आप मेरे साथ भेदभाव करेंगे? आप गलत कर रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं? आप संविधान का अपमान कर रहे हैं कि हम संविधान का अपमान कर रहे हैं? इस देश के भीतर ये व्यवस्था क्यों है? कहते हैं कि मेरिट खत्म हो जाएगा अगर इस देश में रिजर्वेशन चलता रहेगा। एक बात बता दीजिए, रिजर्वेशन 1950 में लागू हुआ ना, उससे पहले तो एक रिजर्वेशन चल रहा था इस देश में कि सबको वेद सुनने का अधिकार नहीं था, जो वेद सुनता उसके कान में शीशा पिघला करके डाल देते, पुजारी जी का बेटा ऑटोमेटिक पुजारी हो जाता था, और बेचारा जो साफ सफाई करता है उसका बच्चा इस बात के लिए प्रेशराइज किया जाता है कि तुमको साफ सफाई ही करना पड़ेगा। ये रिजर्वेशन देश में चल रहा था कि नहीं चल रहा था? और आपको अगर आज के रिजर्वेशन से दिक्कत है तो मैं साफ साफ कहता हूँ कि मान लीजिए कमरे में 100 कुर्सी है, 2% ब्राह्मण है इस देश में, 2 कुर्सी उसके लिए रिजर्व कर दीजिए, बाकी 98% अपने आप फ्री हो जाएगा। हमारी बात को उलट करके बोलते हैं, हम उनकी बात को पलट करके पूछते हैं, तुम जो है इस देश को चाहते हो कि वो सर के बल खड़ा हो जाए? हम कहते हैं कि सर जो देश जो है हमेशा पैर के बल खड़ा रहेगा। ज्यादा जरूरी क्या है, इस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं, इसकी छत जो है ये इस पे जो है नींव टिका हुआ है कि नींव पे छत टिका हुआ है? नींव पे छत टिका हुआ है ना,
पेड़ जो होता है वो जड़ की बदौलत टिका होता है ना, लेकिन सारी सुंदरता जो है वो तो फूल पत्तियों में ही दिखाई देती है, जड़ को तो कोई देखता ही नहीं है। लेकिन जड़ यदि कमजोर हो जाए, जड़ यदि सूख जाए, तो उसमें सुंदर फूल खिलेंगे? इस देश के भीतर जो मेहनत कश जनता है, जो गरीब दलित पिछड़ी अति पिछड़ी जनता है, उसको अगर आप मजबूत नहीं करेंगे तो देश मजबूत होगा? इस देश के भीतर जो कमजोर लोग हैं, जो पीछे छूट गए हैं, उनके बच्चों को यदि आप शिक्षा नहीं देंगे, उनके बच्चों को यदि आप नौकरी में समानता नहीं देंगे, उनको विशेष अवसर प्रदान नहीं करेंगे, तो फिर देश मजबूत कैसे होगा? मान लीजिए ये मेरा शरीर है और मेरा हाथ बहुत लंबा हो जाए, तो ये विकलांग होने की निशानी है ना? समाज का एक समुदाय ऐसा है जिसका 50% संसाधनों के ऊपर कब्जा है, और बाकी जो 98% आबादी है वो बाकी 50% में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आप देख लीजिए पूरा का पूरा कौन किसका अवसर छीन रहा है। धीरू भाई अंबानी के बेटा है मुकेश अंबानी, एप्लीकेशन दिए थे, पैदा होते ही वो अरबों के मालिक कैसे हो गए, और उनकी ही कंपनी में उनके पिताजी के जो नौकरी कर रहा था, जो एक बहुत ईमानदार CEO था, उसका बच्चा आज भी उनकी नौकरी कर रहा है। ये रिजर्वेशन है कि नहीं है, जरा हमको समझा दीजिए। रिजर्वेशन देना किसी का हक छीनना नहीं होता है, रिजर्वेशन देना वैसे जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको विशेष अवसर देना होता है, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। और इस देश के भीतर यदि आज लोग आरक्षण मांग रहे हैं तो उनकी समस्याओं को समझना बहुत जरूरी है। आज से पहले जाट क्यों आरक्षण नहीं मांग रहे थे, पटेल क्यों नहीं आरक्षण मांग रहे थे, मराठा धनगर और मुसलमान क्यों नहीं आरक्षण मांग रहे थे, इससे पहले तो नहीं मांग रहे थे, क्योंकि वो अपना जीवन गुजर बसर कर पा रहे थे, उनका जो पारंपरिक काम था इससे उनका जीवन चल जाता था। अब मान लीजिए कि मेरे पिताजी किसान हैं, उनके पास 1 एकड़ जमीन है, अब हम 4 भाई हैं, तो वो 1 एकड़ जमीन 4 टुकड़े में बटेगा ना, छोड़ दीजिए 4 कहेंगे तो कहेगा 4 बच्चा पैदा क्यों किए, 2 ही बच्चा है, 2 ही मान लेते हैं, वैसे भी तो मानने की ही बात है ना, भाजपा का सब नेता को 8 गो 9 गो 10 गो बच्चा है, और तब कहता है कि मुसलमान के चलते इस देश की जनसंख्या बढ़ गई है। आप देख लीजिए, मैं ऐसे ही किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, 2 बच्चा हैं हम, तो 2 हिस्से में बटेगा ना, तो मेरे पिताजी उस 1 एकड़ जमीन पे खेती करके हमारा भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन 1/2 एकड़ जमीन पे हम अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। तो हमारे बच्चे जिनका अवसर आज छीना जा रहा है, उनको विशेष अवसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये सवाल है। किसी का हक जो है मारने का सवाल नहीं है, जिसका हक नहीं मिल रहा है उसको हक देने का सवाल है। अब एक बात बताइए, मेरी माँ जब शादी करके आई तो उसको परिवार भी चलाना था, घर में खाना भी बनाना था, और वो स्कूल भी जाती थी, तो उसके लिए ज़्यादा कठिन था ना। उस समय बाल विवाह होता था, उसमें मेरा दोष नहीं है, मेरे दादाजी का दोष है। मेरी माँ साड़ी पहन करके खाना बनाने के बाद स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी, तो वो खाना भी बनाती थी और स्कूल में पढ़ने के लिए भी जाती थी, वो ज़्यादा मेहनत कर रही थी ना। और तब जब मेरी माँ को नौकरी में विशेष अवसर दिया जाएगा, मेट्रो में उसके लिए एक बॉगी रिजर्व किया जाएगा, तब कहेगा कि ये महिलाओं को अधिकार दे करके पुरुषों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इस बुद्धि का कोई मतलब है? देश की यदि आधी आबादी पिछड़ी रह जाएगी, वो पढ़ेगी लिखेगी नहीं, तो देश मजबूत कैसे होगा? मान लीजिए, 1 मिनट के लिए जाति छोड़ दीजिए, 1 मिनट के लिए लिंग से इसको समझने का प्रयास कीजिए कि बैलगाड़ी में 2 बैल होते हैं, ठीक है, दोनों अगर बराबर नहीं चलेंगे तो बैलगाड़ी चलेगी? आधी आबादी है औरत आपकी, अगर आप उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, उसको विशेष अवसर नहीं देंगे, तो आपके विकास की जो गाड़ी है वो चलेगी? और आज औरतों ने ये साबित किया है कि जब उसको पढ़ने के लिए मिला, वो अंतरिक्ष में भी गई, आज फाइटर पायलट भी बन रही हैं, सेना में भी जाके नौकरी कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा भी रही हैं और घर भी संभाल रही हैं। अवसर तो देकर के देखिए, तब हम अपनी मेरिट साबित करेंगे ना, आप अवसर देते ही नहीं और कहते हैं आपके पास मेरिट नहीं है। जो बच्चे पशुपालन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो कॉलेज जा कर के पास हो रहे हैं, अगर आप उनको एंट्री लेवल पर रिजर्वेशन दे देंगे तो वो ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। और हम एंट्री लेवल पे रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, एग्जिट लेवल पे किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है।
एग्जिट लेवल क्या होता है कि मान लीजिए कि रिजर्वेशन के तहत ओबीसी को 27% सीट रिजर्व किया गया और उसका कट ऑफ जो है वो जनरल से कम होगा, ये भी सच्चाई नहीं है, ये भी जान लीजिए। बहुत सारे स्टेट में आज के समय में ओबीसी का कट ऑफ जो है वो जनरल से ज्यादा होता है, मतलब 50% रिजर्व कैटेगरी में सीट डाल करके 50% सीट जो है जो ओपन छोड़ा गया है उसको 50% नॉन रिजर्व लोगों के लिए आप रिजर्व करके छोड़ दिए हैं, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। ये सीधे सीधे संविधान के ऊपर हमला है। और रिजर्वेशन अगर सही तरीके से लागू होता, ये भी मैं सवाल उठा रहा हूँ, तो जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसके जो रिक्त पद हैं उस रिक्त पद को जाकर के देख लीजिए, वहाँ ओबीसी के सामने लिखा रहेगा NF, नोट फॉर सुटेबल। दलित रिजर्वेशन देने के बावजूद दलितों के जो रिक्त पद हैं वो नहीं भरे जाते हैं, उसका बैकलॉग नहीं भरा जाता है। रिजर्वेशन के खिलाफ ये बहुत बड़ा अफवाह फैलाया गया है कि रिजर्वेशन के चलते समाज में गैर बराबरी बढ़ रही है। रिजर्वेशन के चलते गैर बराबरी नहीं बढ़ रही है, संविधान के द्वारा जो रिजर्वेशन दिया गया है वो समाज में गैर बराबरी को कम करने के लिए है। जो गैर संवैधानिक रिजर्वेशन इस देश के भीतर 5000 साल से चल रहा है उससे गैर बराबरी है, और उसी गैर बराबरी को बचाने के लिए इस संवैधानिक रिजर्वेशन का विरोध किया जा रहा है, इस बात को आप समझ लीजिए। महिलाओं को अवसर मिला, महिलाओं ने साबित किया। इस देश के दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को अवसर मिला, उसने साबित किया। मैं कहता हूं कि सबको अवसर मिलना चाहिए पढ़ने का, और जो पीछे छूटे हुए लोग हैं उनको विशेष अवसर मिलना चाहिए, और एंट्री लेवल पे देने की बात हो रही है, एग्जिट लेवल पे देने की बात नहीं हो रही है। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में मेरा एडमिशन रिजर्व कैटेगरी से हुआ है तो सिर्फ मेरा एडमिशन रिजर्व कैटेगरी से हुआ है, जब हम डॉक्टर बनकर के निकलेंगे तो हमको भी वही एग्जाम पास करना पड़ेगा जो नॉन रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट पास करके निकलता है। फिर यह अफवाह क्यों फैलाई जाती है, रिजर्व कैटेगरी के जो डॉक्टर होते हैं वो सही से इलाज नहीं करते हैं, ये क्यों फैलाया जाता है? ये इसलिए फैलाया जाता है ताकि लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो जाए, और ये भ्रम जब समाज के भीतर बढ़ता चला जाएगा तब संविधान के ऊपर खुले तौर पे हमला किया जा सके और संविधान को समाप्त करके उसकी जगह पे मनुस्मृति को लागू किया जा सके। क्या है मनुस्मृति? बहुत कम लोगों को ये पता है कि मनुस्मृति में लिखा हुआ क्या है। मनुस्मृति ये है कि जो मुख से पैदा हुए हैं उनको ही सारा अधिकार रहेगा, बाकी लोगों को कोई अधिकार नहीं। ये है मनुस्मृति ये है कि औरत और शूद्र उनको सिर्फ और सिर्फ सेवा का अधिकार है, उनका अपना कोई वजूद नहीं है, वो पैदा हुई हैं सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और ये वही मनुस्मृति है जिससे प्रेरणा लेकर के हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कचरा साफ करने में आध्यात्मिक सुख होता है। तो आप प्रधानमंत्री क्यों बने हैं, आइए चलिए गटर में उतरते हैं, आध्यात्मिक सुख लेते हैं। ये बात क्यों बोला जाता है? ये तमाम तरीके की औरतों के खिलाफ जो बातें बोली जाती हैं उसका जो आधार है वो मनुस्मृति है इस देश के भीतर। और ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों का सवाल नहीं है, क्षत्रियों के बारे में भी जो गलत बोला जाता है उसका आधार मनुस्मृति है। वो एक ऐसी सीढ़ी नुमा व्यवस्था है जिसके सबके ऊपर ब्राह्मण बैठे हुए हैं, बाकी सब उसके नीचे हैं। और आप देखिएगा कई बार कहा जाएगा राजपूत है, दिमाग कम है, ये बात मनुस्मृति से निकल करके आई है कि सारा दिमाग तो ब्राह्मण के पास होता है, राजपूत का काम तो तलवार चलाना है, दिमाग का काम तो सब राज जो है वो ब्राह्मण करेंगे। लेकिन यही राजपूत एक नेता थे, ऐसा ब्राह्मणवाद को लंघी लगाए हैं कि अब तक नहीं संभल पा रहा है। बीपी सिंह ही मंडल आयोग लागू कराए थे ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि मनुवाद जो है वो किसी एक जाति के खिलाफ नहीं है, एक जाति को छोड़ करके वो तमाम जातियों के खिलाफ है और तमाम लिंग के लोगों के खिलाफ है, इस बात को हमको समझना है। और इसका एक उदाहरण मैं और आपको बता देता हूं। आरएसएस के चीफ कौन होते हैं? मोहन भागवत। सब के सब चित्पावन ब्राह्मण होते हैं, क्यों? सारा ज्ञान उन्हीं के ऊपर है। चीफ होंगे आप और रोज सुबह सुबह हाफ पैंट पहन करके झंडा घुमाए हम। मंत्री बनाना होगा तो कांग्रेस से लोगों को ला करके मंत्री बना देंगे। मुझे तो जो साधारण संघी है उनके ऊपर दया आती है, और बड़ी दया आती है। बताइए कितना मेहनत किया, शरीर बनाया, झूठ बोला, झूठ फैलाया, अंग्रेजों की सेवा की, मोदी जी की सेवा कर रहा है, और मंत्री बनने का बारी आया तो कांग्रेसी सबको ला करके मंत्री बनाया जा रहा है। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की नेता थी ना, मंत्री किसमें हैं? भाजपा की सरकार में। मुकुल राय कहाँ थे? तृणमूल में। नेता कहाँ बने हैं? भाजपा में।
और नरेश अग्रवाल जब समाजवादी पार्टी में थे तो हिंदू विरोधी थे, भाजपा में शामिल होते ही हिंदू भक्त हो गए हैं। ये है हकीकत। इस हकीकत को हमको समझना चाहिए कि ये मनुवादी लोग हैं, सत्ता पे काबिज हो गए हैं, संविधान के खिलाफ हैं, इनको संविधान नहीं चाहिए। पहले भी उन्होंने ये संविधान का ये कहकर के विरोध किया कि ये एक अछूत के द्वारा लिखा गया, इसको हम नहीं मानेंगे। पहले भी इन्होंने तिरंगा झंडा को झंडा मानने से इनकार किया। पहले भी ये देश के आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेजों का साथ दिया। और आज जब सत्ता पे काबिज हो गए हैं, संविधान को धीरे 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 कमजोर करके इस देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको समाप्त कर देना चाहते हैं, लोकशाही को खत्म करके तानाशाही हमारे समाज के भीतर स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए लोकतंत्र के भीतर भीड़ तंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि बार बार इस देश की न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाई जा रही। अभी आपने राजस्थान की घटना देखी होगी कि किस तरीके से कुछ लोग भीड़ की शक्ल में जाते हैं, न्यायालय के ऊपर चढ़ करके तिरंगा झंडा निकाल करके वहां पे भगवा झंडा लगाते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं? ये इस देश की जो बहुसंख्यक हिंदू आबादी, जो सहिष्णु है, उसको भड़काने का और उसको उग्र बनाने का काम कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहता हूं कि तुमसे नहीं हो पाएगा दोस्त। तुमको हिंदू धर्म के बारे में पता ही नहीं, तुमको भगवा रंग के बारे में पता ही नहीं है। ये भगवा रंग योगी आदित्यनाथ का रंग नहीं है, ये भगवा रंग संत तुकाराम का रंग है। ये बात तुमको याद करनी है। ये भगवा रंग इस देश के भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज का रंग है। ये भगवा रंग साहूजी महाराज और संभाजी महाराज का रंग है। तुमको भगवा रंग का इतिहास नहीं पता है। तुमको यदि भगवा रंग का इतिहास पता होता तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि इस देश के लोग इतिहास बहुत बारीकी से पढ़ते हैं और सही और गलत का नजर उनके पास होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि रावण भी भगवा वस्त्र धारण करके सीता जी का हरण करने के लिए आया था। ये इतिहास उनको पता है। तुम भगवा वस्त्र धारण करके और आज हम लोगों के सामने अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू भक्त होने का जो दावा प्रस्तुत कर रहे हो, उसकी सच्चाई हमको मालूम है। निर्मोही अखाड़ा ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया है कि राम मंदिर के नाम पे 6,000 करोड़ रुपया ये इकट्ठा करके रख लिए हैं और मंदिर बनाने की बजाय दिल्ली में अपना पार्टी ऑफिस बनाए हैं। ये बात हम लोगों को दिख रहा है। ये बात हमको दिख रहा है कि जय श्री राम बोल करके नाथूराम का मंदिर बना रहे हो, तो हम जानते हैं कि हमको कौन सा हिंदू धर्म अपनाना है। जय श्री राम बोल करके जो नाथूराम के रास्ते पे चलते हैं, उस रास्ते पे ना चल के राम राम बोलने वाले, हे राम बोलने गांधी के रास्ते पे चलना हम पसंद करेंगे। क्योंकि गांधी एक ऐसे हिंदू थे जो कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हमको यदि हिंदू बनना होगा तो हम बचाने वाला हिंदू बनेंगे, मारने वाला हिंदू नहीं बनेंगे। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और हिंदू धर्म के नाम पे तुम हमारे ऊपर जो मनुवाद थोपने की कोशिश कर रहे हो, ये सच्चाई भी हम जानते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म के भीतर जो विविध परंपरा है, उस विविध परंपरा के बारे में हम जानते हैं। शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के बीच का जो विभेद है, जो शास्त्रार्थ है, उसकी सच्चाई हम जानते हैं। वैदिक संस्कृति और जो जातिवादी संस्कृति है, उसकी सच्चाई हमको पता है। इसीलिए हिंदू धर्म का नाम लेकर के तुम जो अपनी राजनीति की दुकान चला रहे हो, ये दुकान हम तुमको चलाने नहीं देंगे। क्योंकि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, जितना सिखों का है उतना ही ईसाइयों का है, जितना ईसाइयों का है उतना ही बौद्धों का है, और उतना ही पारसियों और यहूदियों का है, उतना ही उन लोगों का भी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। उनके लिए मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है। इसीलिए इस बात के नाम पे, धर्म के नाम पे जो तुम गोरख धंधा चला रहे हो, ये तुमको हम चलाने नहीं देंगे। और धर्म की चाहे तुम जितनी भी साजिश रच लो, धर्म की चाहे तुम जितनी भी खाई खोद लो, लेकिन उस खाई में गिरने की बजाय अगर हम संघर्ष करेंगे, रोड पे यदि शहीद होंगे तो इस बात के लिए शहीद होंगे, सबको शिक्षा सबको काम, बरना होगी नींद हराम, गरीब हो या किसान उसको मिले मजदूरी और उसके फसल का दाम, हिंदू हो या मुसलमान, महिला हो या पुरुष, दलित हो या आदिवासी, सबको मिलना चाहिए आत्मसम्मान। इस मुद्दे पे हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि जब पूरे दिल से किसी आंदोलन को लड़ा जाता है, तो जब अंग्रेज को हराया जा सकता है, तो अंग्रेज के चेले चपाटों को भी हम हराएंगे। इस देश के भीतर
संविधान को घटा करके एक समता मूलक समाज का निर्माण करेंगे, अन्ना भाव साठे के रास्ते पे चल करके, संत तुकाराम के विचारों को मानते हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्तों पे चल करके, भगत सिंह के सपनों का भारत बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।